हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो मैं कवर करने वाली हूँ वो है बच्चों के डायपर के ऊपर। सारे ऐसे मदर्स के माइंड में आते हैं कि बच्चों को कौन सा डायपर ऐसे पहना है जिससे वो कंफर्टेबल फील हो, ज्यादा मतलब उनको लेंदी सा फील ना हो, अनकंफर्टेबल सा फील ना हो। तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाए, क्योंकि जब पीहू हुई थी तो मैंने भी बहुत ज्यादा सर्च किया था और इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं था कि न्यू बॉर्न को कैसा पहनाना चाहिए, या आपका बच्चा 6 महीने का है या 1 साल का है तो कैसा पहनाना चाहिए। बस लोग ये बता देते थे कि ये डाइपर है भाई, ऐसे पहनाना है। पर बच्चे को किसमें कंफर्टेबल फील होता है, किसमें ज्यादा सोकिंग पावर है, ये सब चीजें कोई नहीं बताता था। तो चलिए इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर करेंगे और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इन 2 सालों में। पीहू अब 2 साल के ऑलमोस्ट होने वाली है, तो इन 2 सालों में फील किया है कि कैसा डायपर बच्चों को पहनाना चाहिए, कैसा नहीं पहनाना चाहिए। तो चलिए इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में बिना कुछ देरी किए हुए। तो जब पीहू हुई थी ना, तो मुझे जब कुछ भी नॉलेज नहीं था तो मैंने स्टार्टिंग किया था वो था पैम्पर प्रीमियम केयर से, क्योंकि न्यू बॉर्न के लिए थोड़ा सा सोचना टफ हो जाता है कि उनको कौन सी, अभी उनकी स्किन नई नई होती है तो उनकी स्किन सेंसिटिव है, नॉर्मल है, क्या है, ये समझने में हम जैसी माओं को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने पैम्पर से स्टार्ट किया था। तो अभी इसकी साइज जो पीहू पहन रही है ना वो है एक्सेल, एक्सेल पहन रही है वो। मतलब अगर बच्चे आपके 12 से 17 केजी के बीच में हैं तो आप एक्सेल करोगे। जैसे कि मान लो आपका बच्चा अगर 12 केजी का है तो आप एक्सेल करोगे, ना कि आप एल वाला पहनाओगे, क्योंकि एल वाले से फिर उसमें ज्यादा ऑब्जर्वर की क्वालिटी नहीं रह जाती है, वो ज्यादा भर जाता है, फिर उसमें जो पी है बच्चों का ना वो भर जाता है सुसु। तो इसलिए आप अगर बच्चा 12 केजी का है तो आपको एक्सेल वाला पहनाना चाहिए, और 12 से 17 के बीच में तो आपको एक्सेल पहनाना ही चाहिए। और मान लीजिए बच्चा अगर 9 से 11 केजी का है तो आपको एल वाला डायपर पहनाना चाहिए। तो ये मैंने स्टार्ट किया था पीहू के लिए, और इसमें आपको हर तरीके का साइज अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये प्रीमियम रेंज में आता है और इसमें टोटल 22 पैंट दिए गए हैं, और 22 की जो प्राइस है आपको इसको कुछ ना ऑफर में आपको मिल जाएगा। वैसे इसकी ओरिजिनल प्राइस है 900 रुपीज। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं। प्रीमियम क्वालिटी का बनाया गया है पैम्पर का ये, और ये काफी ज्यादा अच्छा है, थिन है, ये बहुत ही पतला है, तो ये बच्चों को बहुत अच्छा ब्रेथेबल मतलब पैम्पर्स है, ताकि उसमें इनको दिक्कत ना हो। और यहाँ पे एक मीटर दिया हुआ रहता है, अगर पूरी तरीके से पी भर जाता है, सुसु भर जाता है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर देता है कि अब ये फुल हो चुका है, अब आप इसको निकाल सकते हो। तो जो नई माएँ हैं ना उनको समझने में दिक्कत नहीं होती है। और इसमें जो है ना 12 आवर्स लीक प्रोटेक्शन का पावर है, तो ये मैंने पीहू के ऊपर ट्राई कर रखा है, तो मैं इसको एकदम गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि बहुत ही बेस्ट है। मेरा ये पहला चॉइस था पीहू को लेके, और ये वाला आप देख सकते हो काफी अच्छा है। मैं यहाँ पे एक एक करके रखती हूँ बाहर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। चलिए सेकंड जो है, जो रिसेंटली मैंने पीहू का स्विच किया था, क्योंकि मुझे चाहिए था कुछ नाइट के लिए, कुछ बाहर के लिए, क्योंकि नाइट में क्या है पीहू की उतनी आदत नहीं है बेड पे ऐसा कुछ करने की, रात में वो ज्यादा सुसु नहीं करती, एक बार अगर वो करके सो जाती है तो फिर वो ऑलमोस्ट बहुत कम ही करती है। तो मैंने ऐसा कुछ स्विच किया था, तो मुझे ये एलोवेरा वाला मिला था पैम्पर्स, जो ऑल राउंड प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक्सेल है और इसमें भी 16 पैंट की क्वांटिटी दी गई है, और इसकी प्राइस जो है वो है इसकी प्राइस आई थिंक कहीं मेंशन है, मैं आपको कहीं ना कहीं दिखा दूंगी। हाँ, 399 रुपये है। और इसमें जो है एलोवेरा दिया गया है, एंटी रैश ब्लैंकेट इसमें यूज किया गया है, ऑल राउंड प्रोटेक्शंस ऑल नाइट, तो ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये मैंने पीहू के लिए बहुत बार यूज किया है, एक बार नहीं बहुत बार यूज किया है, और इसमें भी आपको साइजेस वगैरह सब मिल जाएंगे। तो चलिए अब इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें दिया हुआ है लोशन विथ एलो 100%, तो ये है उसका डायपर, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये वाला। तो मैंने बहुत बारी यूज किया है पीयू का, और डॉक्टर का नंबर 1 चॉइस है ये। तो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर आप आपके बच्चे को भाई क्या सूट कर रहा है वो अगर आप ऑब्जर्व कर लोगे ना, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं डेली रूटीन में पीहू के लिए ये यूज करती हूँ, नाइट के लिए, मतलब डे में तो मैं यूज ही नहीं करती उसके साथ पैम्पर्स, नाइट के लिए मैं ये यूज करती हूँ। कहीं बाहर जाती हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम टाइप का चाहिए होता है, तो मैं या तो पैम्पर यूज करती हूँ, या मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी मैंने बहुत सारी चीजें उसके ऊपर ट्राई करी हैं पैम्पर्स को लेके, और होप सो ये सारी चीजें उसके ऊपर सूट कर जाए।
तो नेक्स्ट जो है वो तो मैं आपको पैकेट ही दिखा सकती हूँ क्योंकि ये पूरा खत्म हो चुका है और ये मैंने उसको डेली बेसिस पे मैंने इसका यूज किया है। इसका एक पैंट मैंने कहीं पे रखा था वीडियो बनाने के लिए। तो ये है लिटिल कंफर्टेबल पैंट्स जो कि मैंने पहली बार यूज किया है और सही में इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसका भी जो है साइज है एक्सेल है और इसमें 24 क्वांटिटी मुझे मिल गई थी। अप टू 12 आवर प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। लीकेज गार्ड है जो कि ऑलमोस्ट अभी सारे डाइपर्स में आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें हैं, ब्रेथेबल मटेरियल है और इसकी प्राइस वाइज भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी ये। तो इसकी जो प्राइस है जस्ट अ मिनट, इसकी प्राइस है 449 रुपीज, ठीक है। और ये है उसका पैंट। तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा। इसकी जो अंदर की जो क्वालिटी है ना, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं बस ये एक बचा के रखा था मैंने कि मैं इसका वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये सारे के सारे यूज हो चुके हैं पीहू के ऊपर। तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ये तीनों डायपर मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छे लगे। इसके आगे का डायपर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डायपर। नेक्स्ट जो जो डायपर लिया है मैंने वो लिया है R4 रैबिट का फेदर डायपर्स, नेक्स्ट जेनरेशन डायपर देन ब्रेथेस। ये जो डायपर है ना, इसके जो मटेरियल्स है वो अलग अलग जगहों से मंगाए जाते हैं। लाइक ब्लू जो है वो जर्मनी से मंगाया जाता है, फिर उसके बाद SAP है उसको जापान से मंगाया जाता है, वेटनेस इंडिकेटर जो है वो US से मंगाया जाता है। ये सब चीजें होती हैं। ये अलग अलग जगहों से मंगा के बनाया हुआ डायपर है और ये 12 आवर प्रोटेक्शन देता है जिसे कि और डायपर्स भी देते हैं। तो इसमें क्या अलग है, ये इंस्टेंट मॉइस्चर लॉक भी करता है, ये पैंट स्टाइल में भी है, ये 9 to 10 kg और L साइज का है। मतलब पीहू इससे पहले जो डायपर यूज करती थी साइज उसका है ये। तो अधिकतर क्या होता है कि L साइजेस आपको मिलते हैं 9 to 12 kg के और XL साइजेस मिलते हैं 12 से अपर साइजेस के, पर यहाँ पे L साइजेस ही मुझे मिल गया 9 to 14 kg का। मतलब 2 kg एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया हुआ है क्योंकि अलग अलग जगह से मटेरियल्स बन लाए गए हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छा है इस वजह से। तो मैं इसको जब भी कहीं ट्रेवल में होती हूँ ना, तब मैं इसको यूज करती हूँ। और इसकी जो क्वालिटी है ना, इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट और इतनी थिन है ना, मतलब इतनी थिन कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं इसको पहनाने से पहले तो 4 बार टच करती हूँ पीहू के लिए। और यहाँ इंडिकेटर भी है, आपका इंडिकेटर जो है वो आपको टाइम टाइम पे शो करता रहेगा। और ये मैं जर्नी के लिए यूज करती हूँ। जब भी मैं रांची जाती हूँ या जब भी मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, मैं यही वाला डायपर पीहू के लिए यूज करती हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। और इस बार जब मैं रांची जा रही थी जर्नी में, तो मेरा जो काम है ना, मात्र एक डायपर से ही हो गया था। मतलब 6 घंटे सिर्फ एक डायपर से ही ये काम चल गया था। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है, तो आप अगर कहीं बाहर जाते हो ना तो ये खरीद के रखो। मैं इसको एकदम 500% रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा वाला डायपर है। और इसकी प्राइस थोड़ी बहुत हाई है, लेकिन मुझे ये बच्चों के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसकी प्राइस जो है वो है 693 रुपये और इसमें टोटल पैंट मिल जाता है वो है आपका 24 पैंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा प्राइजी है लेकिन बच्चों के स्किन के मामले में काफी ज्यादा अच्छे है। ज्यादा इचिंग नहीं होती है बच्चों को। लोकल जो पैम्पर्स होते हैं या ये सब चीज डाइपर्स होते हैं ना, उसको यूज करने से बच्चों को इचिंग हो जाती है। तो इसमें जो है सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ओनली प्योर वाटर बेस्ड लिंक यूज्ड। जो जो चीजें यूज की गई हैं सारा कुछ प्योर है। सूट इवन सेंसिटिव स्किन टाइप, नॉट योर ऑर्डिनरी डाइपर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और इसका जो ये है ना बैग थैला, ये तो मुझे बाद में भी काम आने वाला है। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया है ये, और मैं इसको परमानेंटली अब हमेशा खरीदने वाली हूँ। जब तक पीहू डायपर पहनने वाली है तब तक। है वो है सुपर क्यूट्स का, ये स्कर्ट डायपर्स है। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया। मतलब ये स्कर्ट के साइज का ऐसे डायपर है। नीचे से आपको डायपर दिया गया है, आप जिस तरीके से आप डायपर पहनाते हो वही उसी तरीके से इसको भी पहनाना है, पर ये स्कर्ट स्टाइल है। तो ये मैंने यूज नहीं किया है अभी पीहू के ऊपर। तो जब मैं यूज करूंगी मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी इसका एक्सपीरियंस। और इसमें भी मैंने उसके लिए साइज लिया है XL, 12 to 17 kg का है और इसमें 5 डायपर्स हैं। और इसकी प्राइस जो है 5 डायपर्स की कितनी है भाई साहब, मैं देखूँ जरा सा। इसमें आई थिंक मेंशन नहीं है या लिखा होगा कहीं से मिट गया होगा। मैं आपको कहीं ना कहीं नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लेना।
इसकी प्राइस कितनी है, क्योंकि मैंने इसको अमेजोन से लिया था, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो एक स्कर्ट डायपर्स मैंने कभी नहीं सुना था इसलिए मैंने लिया है। इसमें भी सारी चीजें लिखी हुई हैं, सुपर थीन, सुपर सॉफ्ट फील, सुपर एब्जॉर्बेशंस, सुपर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। वंडर स्कर्ट्स का है ये, सुपर क्यूट स्कर्ट डाइपर, 2x मोर एब्जॉर्बेशन लिखा हुआ है इसमें, और ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इसका प्राइस मैं कहीं ना कहीं लिंक में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर लेना। तो नेक्स्ट जो है वो ये स्कर्ट डाइपर है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में लॉन्च किया गया है, इससे पहले इंडिया में इस टाइप के स्कर्ट डाइपर्स नहीं मिलते थे। तो अगर आपके बच्चे, अगर आप घर पे डाइपर्स पहनाते हो बच्चे को ऑल टाइम, तो और बेबी गर्ल है आपकी, तो आप इसको ही पहना के रखोगे तो लगेगा कि स्कर्ट ही पहनी हुई है वो। तो इस तरीके का भी डाइपर्स काफी ज्यादा अच्छा चला हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है लवलव का डाइपर्स है, और लवलव मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है इसका। मैंने जो ब्रेस्ट फीडिंग पंप जो मैंने लिया था उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो लवलव भी काफी ज्यादा अच्छा है। और इसमें अभी साइज मैंने लिया है, जो लिया है एक्सेल लिया है, इसमें भी लिखा हुआ है एंटी रश एलोवेरा लोशन यूज किया गया है इसमें भी, और इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, मैंने इसको अभी यूज नहीं करा है, तो मैं इसको यूज करूंगी फिर मैं बताऊंगी। और इसकी प्राइस है 529 रुपए। 529 रुपए में आपको 28 पैंट मिल जाता है। तो चलिए अब इसकी क्वालिटी देखते हैं, और इसमें सब साइज अवेलेबल है, न्यू बॉर्न की भी साइज है, एस भी है, एम भी है, एल भी, एक्सएल भी है, सारा कुछ है। तो चलिए अब इसको भी देख ही लेते हैं। ये मैंने पहली बार पीहू के ऊपर मैं ट्राई करने वाली हूँ कि वो कैसा रहता है, नहीं तो इससे पहले मैंने इसको यूज नहीं किया है। तो ये है लवलव का, और मुझे ये तो देखने में सही ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बाकी तो अब यूज करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट और इधर बैक, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। मटेरियल मुझे काफी सॉफ्ट लग रहा है, अच्छा मटेरियल लग रहा है, बाकी तो मैं यूज करके बताऊंगी, अभी यूज नहीं किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट, नहीं लास्ट नहीं है ये, इसके बाद भी है, तो वो जो है बेबी हग का डबल केयर प्रीमियम पैंट्स प्रो, बेबी हग प्रो, बेबी हग का भी नहीं, बेबी हग प्रो का है। तो बेबी हग के सारे आपको क्लॉथ्स वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छे आते हैं, बच्चों के किड्स वेयर भी बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। सिल्की सॉफ्ट है, इसमें शिया बटर यूज किया गया है, और जो है इंडिकेटर यूज किया गया है, और इसकी में भी साइज है एक्सेल, और इसमें 19 पैंट का दिया हुआ है, 19 पैंट की क्वांटिटी है। और इसकी प्राइस है भाई साहब कितनी है, 665 रुपये, थोड़ा सा महंगा है। और इसमें भी आपको सब साइज अवेलेबल मिल जाएगा, न्यू बॉर्न भी मिल जाएगा, स्मॉल भी मिल जाएगा, लार्ज भी मिल जाएगा, सब कुछ है। और ब्रेथेबल मटेरियल यूज किया गया है बच्चों के लिए, और काफी ज्यादा बढ़िया है। इसकी पैकेजिंग ही देख के लग रही है कि ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, 12 आवर्स ड्राइनेस। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। ये है बेबी हग का प्रीमियम वाला, काफी थिन है, मतलब इसकी थिन, और ये रैबिट वाले जो मैंने बोला जो मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है उसका, ये दोनों की क्वांटिटी मुझे, मतलब क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मुझे सेम लग रही है। ये भी बहुत थिन है, बाकी तो यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अंदर का जो मटेरियल है ना, ये देखो, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरीके से दाने दानेदार है, मतलब प्लेन नहीं है ये थोड़ा सा ना वो रुखरापन वाला है, लेकिन हाँ सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को चुभेगा या कुछ होगा, ऐसा नहीं है, इस तरीके का दिया हुआ है, देख सकते हो, मैं उल्टा करके दिखाती हूँ ये, तो ये मैं ट्राई करके जरूर बताऊंगी। अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है पीहू के ऊपर, तो जरूर ट्राई करूंगी, तो मैं इसको शेयर करूंगी। तो ये प्रीमियम क्वालिटी में से है बेबी हग के, और यहाँ पे आपका सारा कुछ दिया हुआ है कि ये जो है क्या क्या इसके अंदर खूबियां हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, लिक गार्ड, एक्टिव जेल, ब्रेथेबल मटेरियल, सुपर सेंटी, डिस्पोजल टेप, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। सो जो है और लास्ट वो है ये हगीज का डाइपर, जो कि मैंने खत्म कर दिया है, बस एक ही बचा है, वो भी आई थिंक मैंने वीडियो बनाने के लिए ही रखा है, और ये मैं डेली यूज कर रही हूँ पीहू के ऊपर। और इसकी प्राइस है 400 रुपये, और इसमें टोटल पैंट मुझे मिल गया था वो था 14 पैंट मिला था मुझे इसमें से, और इसकी प्राइस मैंने आपको बोल दी 400 रुपये, 399 रुपीज है। और इसमें पूरा नेचर केयर
से रिलेटेड चीजें यूज की गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है हगीज नेचर केयर विथ ऑर्गेनिक कॉटन, तो ये सारी चीजें इसमें है। 3 ईयर्स फ्रॉम पैकेजिंग आपको यूज कर लेना है, जब से पैकेजिंग हुई है उसके 3 साल के अंदर अंदर यूज कर लेना है। तो ये मेरा पूरा खत्म हो चुका है और ये क्वाइट मुझे ठीक ठाक ही लगा, ज्यादा कुछ ठीक नहीं लगा पर ठीक ठाक लगा। एक तो ये काफी मोटा है और मतलब एक बार ही अगर बच्चे पी कर देते हैं ना तो ये पूरा लटक के नीचे आ जाता है, तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ अगर आप घर पर हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन बाहर में बच्चे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे क्योंकि अगर एक बार भी अगर वो पी करते हैं और वो लटक जाएगा नीचे ना तो काफी अनकंफर्टेबल सा फील होगा उनको चलने में बाहर में या कुछ भी, और आपको भी अनकंफर्टेबल सा लगेगा जब आप उनको अपने गोद में लोगे। तो ये थोड़ा सा ठीक है, मैंने इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लिया घर में ही यूज करके, क्योंकि मैं इसको बाहर नहीं पहना सकती, पीहू को बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये सारा था मेरा डायपर का कलेक्शंस जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। इतने सारे डायपर्स मैंने अभी पीहू के ऊपर कुछ ट्राई किए हैं, कुछ ट्राई करने वाली हूँ। एज अ मदर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को वही चीजें देनी चाहिए जो बहुत सॉफ्ट हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, उनके स्किन के लिए कंफर्टेबल हो। बाकी एक माँ जानती है, एक माँ समझती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए होता है क्या नहीं, तो इससे ज्यादा जजमेंट मैं नहीं दे सकती हूँ। आप एक माँ है तो आप अच्छे तरीके से जानती है कि आपके बच्चे को क्या सूट करेगा। तो मेरे तरफ से इतने सारे डाइपर्स के रिव्यू मैंने आपको दे दिए हैं, अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।